हेलो दोस्तों, पुनीताज फूड डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी पालक पनीर की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने पालक। पालक को साफ करके मैंने धो लिया है। अब हम पालक को बड़े बर्तन में डालेंगे। साथ ही में डाल देंगे 2 गिलास पानी। अब इसे ढककर एक उबाल आने तक पका लेंगे। पालक में एक उबाल आ गया है। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। पालक को गर्म पानी में से निकालते ही ठंडे पानी से धो लेंगे और 10 मिनट के लिए इसमें ठंडा पानी डालकर छोड़ देंगे। यहाँ पे पालक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो अब इसे हम पानी में से निकालेंगे और इस तरह से पानी इसका निचोड़ देंगे। अब हम पालक को ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। पालक का अच्छी तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने 2 टमाटर, 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा और लहसुन। टमाटर और प्याज को हम बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल को गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे जीरा, मरीच, लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी, काली इलायची, हरी इलायची, हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े, लहसुन और प्याज, टमाटर। इन सबको हम 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। दो मिनट हो गया है। अब इसे हम नीचे उतार लेंगे ठंडा होने के लिए। ये सब अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो इनका भी हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो इसमें अब हम डाल देंगे जो मसाले का मैंने पेस्ट बनाया था। अब हम मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला थोड़ा सा पक गया है, तो इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको हम चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, तो इसमें अब डालेंगे पालक का पेस्ट। पालक को भी अच्छी तरह से हम मसालों में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे ढककर लो मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पका लेंगे। मैंने यहाँ पे पानी का यूज नहीं किया है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी डाल सकते हैं। ग्रेवी अच्छे से पक गई है, तो इसमें हम डाल देंगे पीसेस में कटा हुआ पनीर। मैंने यहाँ पे 1/2 kg पनीर लिया था, तो आधा पनीर मैंने कट करके डाला है और आधा पनीर कद्दूकस करके डाला है। अगर इस तरह से पनीर को कद्दूकस करके डालेंगे तो पनीर का स्वाद और बढ़ जाता है और ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो जाती है। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
फाइनली इसमें डालेंगे कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। तो ये देखिए दोस्तों, पालक पनीर बनकर रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।